जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है, और रेस्पिरेशन में हमने टाइप्स के बारे में जाना था, कितने टाइप्स से, टू टाइप्स से, कौन कौन से, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के एंड प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, दोनों में कितनी एनर्जी रिलीज होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो ह्यूमन रेस्पिरेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है उसका मैकेनिज्म, किस तरह से रेस्पिरेशन है वो ह्यूमंस के अंदर वर्क कर रहा है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमारा आज का टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर हम बात करें तो ये जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है ये किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर ग्रेडियंट पे, इस पर डिपेंड करने वाली है पूरी प्रोसेस। अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया प्रेशर ग्रेडियंट होता है तो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो आपको समझ में आ जाएगी। प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या है, कोई भी गैसेस है चाहे वो CO2 है, नाइट्रोजन है, कार्बन या फिर ऑक्सीजन है, वो कुछ ना अपना प्रेशर एग्जर्ट करती है। और ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है, ग्रेडियंट मीन्स होता है डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस, मतलब भी क्या है, जो गैसेस पार्टिकल है चाहे वो CO2 है या वो ऑक्सीजन है, वो कहाँ से मूव करेंगे, जहाँ पे क्या होगा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, मतलब कि क्या होगा प्रेशर डिफरेंस होगा, जहाँ पे उसे हम वहाँ पे क्या गैसेस एक्सचेंज होगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, गैसेस का गैस कहाँ पे मूव करेगी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और एक साइड कम है तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो गैसियस है वो मूव करेगी। तो ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ना, ब्रीथिंग है ये जो, इसके अंदर दो चीजें आती है, हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, एक तो इंस्पिरेशन आता है और दूसरा आता है एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या आता है, इनहेल करना, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर या फिर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनहेल करना, अंदर लेके जाना, इंस्पिरेशन क्या आता है, और एक्सपिरेशन क्या आता है, एक्सहेल, एक्सहेल ऑफ CO2 फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से CO2 को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करना क्या कहलाता है, एक्सपिरेशन। तो ये जो इंस्पिरेशन है और ये जो एक्सपिरेशन है, इनका मैकेनिज्म क्या है वो हम समझेंगे। तो जो ब्रीथिंग प्रोसेस है ना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसमें आपने ना दो चीजों का ध्यान में रखना है, दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक तो डायफ्राम के बारे में, डायफ्राम के बारे में, और दूसरा आपने पढ़ना है रिब केज के बारे में, रिब केज के बारे में, मसल ऑफ रिब्स के बारे में, डायफ्राम और रिब केज के बारे में, क्लियर है। अब हम बात करें प्रेशर ग्रेडियंट पे, दोबारा आएंगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर हम एनवायरनमेंट में देखें तो काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है, प्रेशर उसका काफी ज्यादा होता है एनवायरनमेंट के अंदर, काफी ज्यादा कितनी होती है ऑक्सीजन, 21% है। लेकिन अगर हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल है या लंग्स के अंदर लेवल है वो क्या है, कम है, लेस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे ज्यादा है, एटमोस्फेयर के अंदर ज्यादा है, और लंग्स के अंदर कम है, तो बाहर से क्या है ऑक्सीजन अंदर आती है, ऑक्सीजन एटमोस्फेयर से क्या आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर जाते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम क्या है, CO2 का केस है, CO2 की अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कितनी कंसंट्रेशन है, सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 0.03% है, ऑक्सीजन की कितनी है, 21%। CO2 की ह्यूमन बॉडी के अंदर बात की जाए तो जो ये कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में से काफी ज्यादा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, एनवायरमेंट के अंदर क्या है कम है, तो गैसेस पार्टिकल कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो CO2 वो कहाँ जाएगी, ह्यूमन बॉडी से कहाँ पे जाएगी, लंग्स से एटमोस्फेयर के अंदर रिलीज करेगी। तो जब
ऑक्सीजन एंट्री करती है और जब CO2 तो बाहर निकल रही है तो क्या होता है डायफ्राम और रिब केज के साथ क्या होता है, इनके साथ क्या क्या वर्किंग होती है वो हम पढ़ेंगे। डायफ्राम और रिब केज, डायफ्राम में एक मस्कुलर नेचर कुछ ऐसा होता है, डायफ्राम लंग्स के बिल्कुल नीचे डायफ्राम, और रिब केज यहाँ पे लंग्स के अंदर रिब्स। तो जैसे ही ऑक्सीजन एंट्री करती है, ध्यान में रखना है ये पॉइंट, सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं और हरियाणा बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आती रहता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो जब इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, तो जब ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी ना तो ध्यान में रखना दो चीजें ध्यान में रखना, एक तो क्या है जो मसल ऑफ रिब्स है, मसल ऑफ रिब्स है वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल ऑफ रिब्स है ये वाली जो जगह है ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। किसके केस में, इंस्पिरेशन के केस में। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हुआ, द मसल ऑफ रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्या है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है जिसकी वजह से क्या है, रिब्स के जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या, इट कॉज द रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इनके अंदर CO2 का ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या है, जो आपके लंग्स है वो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेंगे और आउटसाइड की तरफ मूव करेंगे। कब, जब इंस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जब अंदर आ रही है। और इन द केस ऑफ डायफ्राम, फर्स्ट पॉइंट तो ये है रिब्स के साथ क्या होता है, दूसरा पॉइंट है डायफ्राम का, डायफ्राम भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये डायफ्राम की नॉर्मल पोजीशन है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो बिल्कुल नीचे चला जाता है। अभी तक ऐसा था, आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या होएगा, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, और ये वाले जो लंग्स हैं, लंग्स को ज्यादा स्पेस मिलेगा तो लंग्स क्या हो जाएंगे, थोड़ा और बड़ा हो जाएंगे, उनका स्पेस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना तो ये कहां पे मूव करेंगे, एंड मूव्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ चले जाएंगे। एक तो रिब्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपके लंग्स है वो कहां, अपवर्ड और आउटवर्ड की तरफ मूव करेंगे, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो डाउनवर्ड जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स है या फिर आपकी जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ड्यू टू आउटवर्ड एंड अपवर्ड ऑफ रिब केज एंड डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ डायफ्राम lead to increase the size of, increase the chest cavity, जो chest का size है वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा। clear है, ribs का समझ में आया, diaphragm का समझ में आया, अब हम बात करें expiration की। expiration की बात करें, एक्सपिरेशन में क्या है, CO2 पार्टिकल्स है वो लंग्स से कहां पे जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहे हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थी, जब CO2 बाहर निकलेगी, CO2 जब बाहर निकलेगी, एक्सपिरेशन जैसे ही क्या है,
CO2 बाहर जाएगी तो क्या होगा, एक्सपिरेशन के केस में क्या होगा, इंस्पिरेशन का बिल्कुल अपोजिट होगा, ये ध्यान में रखना। इंस्पिरेशन अगर आपको समझ में आ चुका तो एक्सपिरेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक्सपिरेशन के केस में क्या होगा, बिल्कुल आपने इसका अपोजिट करना है। जब CO2 बाहर रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन एंटर करेगी तो क्या है, जो मसल ऑफ रिब्स क्या हो रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, एक्सपिरेशन के केस में क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिब केज कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड की जगह क्या आएगा, डाउनवर्ड, और आउटवर्ड की जगह क्या है, अंदर की तरफ ही रहेंगे, थोड़ा सा ना उनका साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा, अपवर्ड एंड अपवर्ड की जगह क्या आएगा, डाउनवर्ड, और आउटवर्ड की जगह क्या आएगा, इनवर्ड। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किसके केस में हो रहे थे, इंस्पिरेशन में, बट इन द केस ऑफ एक्सपिरेशन डायफ्राम भी कैसे रहेंगे, रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो डायफ्राम पहले डाउनवर्ड पोजीशन में थे, अब कैसे हो जाएंगे, वो अपवर्ड पोजीशन में हो जाएंगे। पहले ये वाला था, बट जैसे ही ये रिलैक्स पोजीशन में जाते हैं, रिलैक्स पोजीशन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये अपर साइड मूव करेंगे, अपर साइड मूव करने की वजह से लंग्स का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो चेस्ट कैविटी का साइज है, स्पेस है जो चेस्ट कैविटी के बीच में, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कर लो मैं, ये एक्सपिरेशन हो जाएगा। एक्सपिरेशन उसमें क्या है, ड्यू टू डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिबकेज एंड ड्यू टू डायफ्राम कैसे रहेंगे, अपवर्ड, एंड ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम लीड टू डिक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंस्पिरेशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक्सपिरेशन में वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम नॉर्मल ब्रीथिंग रेट की बात करें तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, 16 to 18 टाइम्स, ये ध्यान में रखना, पर मिनट 16 to 18 ब्रीथिंग रेट। मतलब कि ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या है, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। तो आप एक मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हो, कितनी बार सांस छोड़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए, 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है ये? ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। अब हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे, तो कुछ और एनिमल्स हैं जिनके अंदर हम देखेंगे रेस्पिरेशन ऑर्गन्स क्या है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें, ह्यूमन बींग्स को छोड़ के, तो आपके दो तीन एनिमल्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। फिश का ध्यान में रखना है आपको, और अर्थवर्म का ध्यान में रखना है। फिश का ध्यान में रखना है और अर्थवर्म का ध्यान में रखना है। फिश के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिश है, उसमें गैसेस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। रेस्पिरेशन है फिशेस में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। और अर्थवर्म है, वो रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, स्किन के द्वारा। क्लियर है? अगर बात की जाए प्लांट्स की, प्लांट्स में जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे होता है, तो प्लांट्स के हम मेन पार्ट्स की बात करेंगे, रूट की, स्टेम की एंड लीव्स की। रूट, स्टेम और लीव की अगर बात की जाए, उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज कौन से पार्ट्स के द्वारा होता है, तो हमें पता होना चाहिए जो रूट्स है वो गैसेस एक्सचेंज किसके द्वारा करते हैं, रूट हेयर्स के द्वारा।
किसके द्वारा? रूट ए एस के द्वारा। स्टेम में किसके द्वारा होता है? प्लांटिसल्स के द्वारा। किसके द्वारा? प्लांटिसल्स के द्वारा। रूट्स में रूट ए एस के द्वारा, स्टेम में प्लांटिसल्स के द्वारा, और लीव्स में किसके द्वारा होता है? आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में लीव्स के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये प्लांट्स में था, प्लांट्स में रूट रूट हेयर्स के द्वारा, स्टेम में लेंटिसल्स के द्वारा, और लीव्स में स्टोमेटा के द्वारा। ये था रेस्पिरेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। थैंक यू।